गाइस मान चालू है मार्च का और यहाँ पे बारिश गिरी है। कल रात को यहाँ पे बारिश हो रही थी, ये देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है हमारा डे फोर्थ और आज हम है ऊटी में। आज ऊटी घूमने का प्लान है, ऊटी एक्सप्लोर करने का प्लान है। तुषार भाई यहाँ पे पहले आ चुके थे, तुषार भाई ने कुछ स्पॉट निकाल के रखे वो देखेंगे। आपको मेरी हालत और तुषार भाई की हालत थोड़ी अजीब लग रही है, उसका रीजन ये है कि हमने सोचा था कि यहाँ पे वेदर 2019 तक रहेगा। रात को था 11 डिग्री और अभी यहाँ पे 13 डिग्री। मॉर्निंग के 10 o'clock को है, यहाँ पे 13 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की कंडीशन क्या है। लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हल्की सी बैंड बजी है, लेकिन भाई वो टूरिंग में हल्की सी बैंड बजना भी मजा देती है। ना बजे तो फिर टूरिंग किस चीज की, वो भी है। अविनाश भाई अपने अभी वॉशरूम गए, फ्रेश हो आए आए। और एक चीज की ये होटल की सबसे अच्छी चीज ये है ना कि होटल में बाइक अपने विंडो के बाहर पार्क कर सकते हैं। इससे ज्यादा बेहतरीन चीज एक बाइकर के लिए, एक टूरर के लिए और क्या हो सकती है। यहाँ से कहाँ जाना है? अभी बस मार्केट में घूम रहे हैं हम लोग और फिर हम लोग जाएंगे। सब काम होने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है मालूम है? हाँ। घर वालों के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी है। अगर घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम राइड में आने नहीं मिलेगा, पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। हाँ। अभी हम है ऊटी के एक मेन स्पॉट पे जिसका नाम है एडम फाउंटेन। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है एडम फाउंटेन। बहुत प्यारी सिटी यार, बहुत प्यारी यार, सच में। मतलब है ना अभी ऐसे लग रहा है ना कि भगवान ने चारों साइड पे मस्त एसी लगाया, उसका टेम्परेचर कर दिया है 16 और मस्त ठंडी ठंडी हवा चालू है। यहाँ पे ले रहे हैं अपना GoPro 7 टाइम लैप्स और एंगल एंगल डायरेक्टर है अपने दिशा। एंगल ठीक से लगा? हाँ बराबर है। ओके सर जी, ओके। प्लान बना, अभी यहाँ पे एक छोटी ट्रेन है, वो ट्रेन में घूमना है भाई। हम लोग आए हैं ऊटी और ऊटी में हम लोग घूम रहे हैं ट्रेन पे, तो यहाँ से ऑटो पकड़ना है स्टेशन के लिए। स्टेशन वो वही वाला ना, वो मतलब जो छोटा ट्रेन है वो वाला। यहाँ से कितना दूर है सर? 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 10 मिनट्स। रेलवे स्टेशन के यहाँ पे पहुंच चुके हैं और रेलवे स्टेशन का नाम है उदगमंडलम। क्या? उदगमंडलम। उदगमंडलम ये यहाँ का मेन बोर्ड। ये बनाया है 1908 को। यस। और ये है मीटर गेज। सच में यार जो लोग ने ऊटी नहीं देखा है ना, मैंने अभी तक ऊटी पूरी तरह से घूमा भी नहीं, तभी भी बोल रहा हूँ 10 बार बोल रहा हूँ कि जो लोग ने ऊटी नहीं देखा वो लोग ऊटी देखने जरूर आइए जरूर। 100 साल पुराने स्टेशन पे घूम रहे भाई, बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ट्रेन में चढ़ने के लिए हम लोग लाइन लगा रहे हैं और ये लाइन लगा कि ये ट्रेन हमें छोड़ेगी यहाँ से नेक्स्ट कुन्नूर थर्ड स्टेशन। एक्चुअली जाना है कुन्नूर तक, हमें उतरना है थर्ड स्टेशन। यहाँ
पे एक बहुत ही अलग चीज दिखाई दी और सच में प्राउड है कुछ चीजों का. ये जो हमारे साथ जो मैडम है, इनके डॉटर का जो नाम है ना, वो नाम आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे. व्हाट्स योर डॉटर नेम? इंडिया. इनका डॉटर का नाम है इंडिया. यार ये बहुत ही प्राउड देंगे, बहुत ही प्राउड देंगे. तुषार भाई, बहुत प्राउड फीलिंग है कि कोई अपनी बेटी का नाम इंडिया रख सके. Yes, I love India. I've only just started to travel India last year. This year, I've got way more things to do. There's so many amazing, brilliant things to see here, beautiful things. It's a very, very special country. The people, I've never had anything inappropriate happen. I never felt afraid in any way. Anita! See you! Bye! Bye-bye! तो गाइस हम लोग ऊटी से अरवन कड़ू उतरे हैं. यहाँ से हमें एक्चुअली कुन्नूर नहीं जाना था. हमने सोचा कि तीन स्टेशन आगे जाते हैं, थोड़ा घूमते और रिटर्न ऊटी जाते. तो सीन ऐसे हुआ ना कि जो ट्रेन का डिफरेंस था ना, वो ट्रेन का डिफरेंस था सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का. हमारा दरवाजा खोल के उतरने तक दूसरी ट्रेन चल पड़ी हमारी आंखों के सामने. तो हम अभी रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं हम लोग कैसे पहुंचेंगे वापस. मतलब जो प्लान था ना, वो प्लान सारा उल्टा फुल्टा हो गया और ये हो गया अभी टोटल एडवेंचर. भटक गए हम लोग. अभी पता नहीं है कि यहाँ से ऊटी कैसे जाएंगे, बिकॉज जो रिटर्न वाली ट्रेन है ना, वो ट्रेन है 4:15 को, 4:15 और अभी टाइम हुआ है 1:00. तो हम लोग 3-4 घंटा करेंगे क्या स्टेशन पे बैठ के? बैंकर पैसा दो. क्या क्या करना पड़ता है. नसीब की बस तो मिली, वो भी है. तभी यहाँ से हमें बस पकड़नी है ऊटी के लिए. और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया. तुषार भाई इधर है. तुषार भाई एक मिनट उसको भी लेके आ. हाँ. ये सारा तामझाम जो हुआ है ना, वो किसके वजह से हुआ है ये बताया नहीं ना हम लोग ने. नहीं बताया नहीं. ये भाई को हम लोग बोले 10 बार बोले ट्रेन से उतर उतर उतर, वो बाजू में ट्रेन लगी है. ये बोले कौन सा स्टेशन है, पहला है दूसरा है तीसरा है, इतना सब करने की क्या जरूरत है ना. क्या था ट्रेन का टाइमिंग जो था ना, वो कट्टू करता, मतलब इसमें से उतरे उसमें से चढ़े. ट्रेन इतनी अच्छी थी तो उतरने का मन नहीं कर रहा था. फाइनली हम लोग ऊटी पहुंच चुके हैं. और यहाँ पे तुषार भाई की एक प्लेस है जहाँ पे तुषार भाई हमेशा ऊटी में जब आता है तब खाना खाता है. तुषार भाई क्या खाना है यहाँ पे? ये मेस स्टाइल है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ऑथेंटिक खाना खाएंगे केले के पत्ते पे. चलो स्वाद ले लें. ये आज का हमारा लंच ये है घी रोस्ट डोसा. माइंड इज ब्लोइंग. मस्त बनाया. जो प्योर टेस्ट है ना यहाँ की, और मैं फर्स्ट टाइम केले के पत्ते में कुछ खा रहा हूँ. गाइस तो लंच हो चुका है और लंच बहुत औसम था, लाजवाब लंच था. अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बोटनिकल गार्डन घूमने. चलो क्या कहने अभी एकदम. हाँ एकदम. ये कहना? अरे बहका बहका किधर देखते है रे तू? वो उसका कहना है एकदम. हाँ एकदम. तो यहाँ से अभी हमें टिकट निकालना है बोटनिकल गार्डन के लिए. 220 रुपीज हुए हमारे. मतलब पर पर्सन कितने? पर पर्सन हाउ मच इज पर पर्सन? 40 रुपीज पर पर्सन एंड 100 रुपीज फॉर वीडियो कैम. वीडियो कैम गार्डन बहुत अच्छा था. तो बाहर घूमना हुआ, खुद के लिए बहुत सारी चीजें देखी. अभी आता है टाइम घर वालों के शॉपिंग का. तुषार भाई कुछ बता रहे हैं. ये लेना है. क्या लेना है तुषार भाई? थोड़े ऑयल्स लेने हैं यहाँ के. नीलगिरी ऑयल, ये वो थोड़े अच्छे होते, प्योर एक्सट्रैक्ट होता है. ओके
मतलब याद पे वो स्पेशल हाँ यूकलिप्टस सिट्रोनेला। तो हम लोग चिकमंगलूर गए थे, तो चिकमंगलूर से कॉफ़ी लेके मुंबई गए थे, तो यहाँ से कुछ ऑयल लेके जा रहे हैं और इसके बाद वाला जो डेस्टिनेशन है वहाँ से हम टी लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या मालूम है? घर वाले खुश। फाइनली हमने वो काम कर दिया है ना जो घर वाले खुश हो जाए, जिससे माए खुश हो जाए। देखो मम्मी नेक्स्ट राइड के लिए भी भेज इतना सारा सामान ले रहे तो नेक्स्ट राइड पक्की। अच्छा ऑयल भी चाहिए ना? व्हिच वन इज बेटर, रोस्टेड और रिच? रिच। Which one did I taste? यहाँ पे ले रहे चॉकलेट्स और ये है मिक्स चॉकलेट। दुकान का नाम बताओ। आपकी दुकान का नाम? एक्सपो सेल। एक्सपो सेल। ओके, तो ये है मिक्स चॉकलेट और इसके बॉक्सेस लेने हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी देखता हूँ कि किसके लिए क्या लेना है। तुषार भाई क्या ले रहे हैं? मैं तो एक डब्बा लेके जा रहा हूँ अभी। स्पेशलिटी होममेड चॉकलेट्स। होममेड चॉकलेट्स, यूकेलिप्टस ऑयल, टी पाउडर्स। टी पाउडर्स जी। हे गाइस, अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं और आज का दिन बहुत मज़ेदार था। अविनाश भाई ने जो भी किया वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअल में जो प्लान था कि यहाँ से ट्रेन से जाओ, रिटर्न ट्रेन से आओ, लेकिन जो बस चेंज करते करते आया उसमें भी बहुत मज़ा। एक्चुअली अविनाश की वजह से आज एडवेंचर हो गया। हाँ, भाई को मैंने डांटा यार ब्लॉग में। नहीं नहीं चले, कोई नहीं नहीं, हम इतना कोई नहीं, कोई नहीं लगा के नहीं लेते। हाँ लग, अभी ऐसा कर किया उसने। आज के हमारे व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपने ये ऊटी का सेक्शन एंजॉय किया होगा, ऊटी जो हम लोग घूमे वो एंजॉय किया होगा, जो चॉकलेट दिखा है वो एंजॉय किए होंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो आपको करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और टिंग टोंग, टिंग टोंग किए बिना जाना नहीं है, ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप ये सीरीज का लुफ्त उठा पाए, मजेदार सीरीज का लुफ्त उठाइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए। राइडर लोग आराम करते तो देखो यार क्या क्या खेलते बैठते हैं। कुछ तो स्ट्रेस बस्टर चाहिए यार लाइफ में। आवाज से पहचानो क्या कर रहे हैं।